आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, वेलकम टू डाउटनेट। वी हैव दिस क्वेश्चन हियर एंड द क्वेश्चन इज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स एनर्जी इज नॉट कैरीड। ओके, कौन सी वेव है? इसमें से चार वेव का ऑप्शन दिया हुआ है एंड इनमें से कौन सी वेव है जो कि एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी नहीं करती है? ऐसा है तो ऑप्शन ए है स्टेशनरी वेव, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, तीसरा ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कि कोई मैकेनिकल मीडियम प्रेजेंट हो तब भी ट्रैवल करती है एंड कोई मैकेनिकल मीडियम प्रेजेंट ना हो तब भी ये ट्रैवल करती है एंड ये एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी दोनों को एक दूसरे से यहाँ से यहाँ मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी कैरी करती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ऐसी वेव जो चलती इस डायरेक्शन में है लेकिन वाइब्रेट इस ऐसे करती है, उनके पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो ये भी जो है मैकेनिकल एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करती है। कैसे? सपोज करो ये स्ट्रिंग है एंड इसमें एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे जनरेट करके छोड़ देंगे तो ये जो वेव है ये स्ट्रिंग के लास्ट तक पहुंच जाएगा। ये जो वेव होगा इसमें जो पार्टिकल्स हैं स्ट्रिंग के वो वाइब्रेट ऐसे कर रहे होंगे लेकिन वेव का प्रोपोगेशन इधर की तरफ हो रहा है तो इसको ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैरी करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा है लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव क्या है? एग्जांपल है इसका साउंड, साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव्स क्या करती है? साउंड एनर्जी को एक दूसरे से एक जगह से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करती है, तभी तो हमको सुनाई देता है। साउंड एनर्जी बेसिकली प्रेशर एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये प्रेशर एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करती है लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो ये अभी आंसर बी ऑप्शन भी नहीं आंसर होगा हमारा। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेशनरी वेव्स। ओके, सो स्टेशनरी वेव्स ऐसे होती हैं, स्टेशनरी वेव्स ऐसे होती हैं, ठीक है। ये बनती है दो वेव्स या दो वेव्स के रिफ्लेक्शन या फिर उनके ओवरलैप से, ठीक है। एक वेव ऐसे जा रहा होगा, सपोज करो ये जो सॉलिड लाइन में है ये वेव ऐसे जा रहा होगा एंड ये जो डैश लाइन है वो वेव ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इनके मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इस पॉइंट पे इस सॉलिड लाइन वाले वेव्स के मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे एक स्टैंडिंग वेव्स बनी। स्टैंडिंग वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें जो ये एक सेक्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक एक सेक्शन होता है एंड ये इंडिविजुअली बिहेव करता है। कैसे? इस सेक्शन का जो ये वाला पार्टिकल है ये ऐसे और ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेगा। ये सेक्शन का ये वाला जो पार्टिकल है ऐसे और ये वाला ऐसे ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्या होता है कि एनर्जी जो होता है यहाँ पे नोड होता है एंड इस पॉइंट पे नोड होता है। इस नोड पॉइंट नोड वाले जो पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो कुछ ऑक्सीलेशन नहीं करता है, ठीक है। इसका ओवरऑल ऑक्सीलेशन जीरो होता है, ठीक। तो जीरो होने की वजह से क्या होता है कि जो ये वाला इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है केवल इसी सेक्शन में कन्फाइंड रहता है, केवल इसी सेक्शन में। इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी बिटवीन द पार्टिकल्स वो इसी सेक्शन कन्फाइंड रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो होता है हम लोग मानते हैं कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं होता है क्योंकि एनर्जी जो है एक ही सेक्शन में कन्फाइंड है, ठीक है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी द हेयर आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए बिकॉज स्टेशनरी वेव्स डू नॉट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।